नेक्स्ट कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इससे पहले आपने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ी जो कि एडम स्मिथ ने दी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंशन करके डेविड रिकार्डो ने कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी डेवलप की। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी सिंपल सा इतना डिफरेंस पैदा किया, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए वन कंट्री इज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ, जैसे पीछे वाला ही केस लेते हैं अगर, ठीक, द कंट्री हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट और वन कमोडिटी। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही कमोडिटी में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे कमोडिटी में भी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, ठीक। लाइक जैसे कि अगर बात करते हैं, इसमें देखिए फिर से वही सेम ग्राफ होगा, पहले मैं वही वैल्यू रखता हूँ आपको, इसमें भी सेम अजम्पशंस लिखने हैं आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ भी आपके पास 200 यूनिट हैं, ठीक है, तो बांग्लादेश 10 यूनिट्स ऑफ लेबर को यूज करके एक टन वीट, फिर 13.3 से राइस, और इंडिया की बात करते हैं 40 और 20 का है, ठीक है। या सिंपल सी एक बात देखेंगे कि बांग्लादेश किस में स्पेशलाइज्ड है, इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। बांग्लादेश वीट प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज रखता है, ठीक है। अभी सिंपल सी इतनी बात समझ में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है तो या एक्सटेंशन है, डिफरेंस कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो कि अभी आपने इससे पहले पढ़ी थी, ठीक है, जो कि एडम स्मिथ ने दी, उस थ्योरी का एक्सटेंशन है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। अभी भी जो इरा हैं जिनमें ये थ्योरी आई थी उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वहाँ फिट बैठती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी सारी की सारी फिट बैठती हैं, इसीलिए आपको नई से नई थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, सुपीरियर थ्योरीज आपको पढ़नी है, ठीक है। ये 1700-1800 की थ्योरीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम जो कंडीशन प्रिवेल करती थी उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको फ्रेम किया गया होगा। अब सिंपल सी एक बात यहाँ समझेंगे कि 10 यूनिट ऑफ लेबर यूज करके हम क्या बनाते हैं, 1 टन ऑफ वीट, जबकि बांग्लादेश 13.3, ठीक है, के थ्रू राइस, इंडिया 40 लोग और 20 लोग मिलते हैं। तो अभी अगर स्पेशलाइजेशन दोनों का देखें तो वीट प्रोडक्शन में बांग्लादेश के पास है, इंडिया के पास राइस में, ठीक है, 20। अब देखो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहती है इफ द बांग्लादेश कंपेरेटिवली, ठीक है, प्रोड्यूस राइस यानी बांग्लादेश अगर क्लियर कट देखें तो 10 यूनिट वाले केस में वो स्पेशलाइज्ड है इन वीट प्रोडक्शन, ठीक है, जबकि इंडिया स्पेशलाइज है इन राइस प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप सिंपल सा दोनों में कंपैरिजन करें, यही थ्योरी कहती है, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली एक ही चीज़ शो होती है और वो ये है कि बांग्लादेश के पास दोनों में ही एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। यहाँ देखिए 1040 में किसके पास है, इन बांग्लादेश के पास है, राइस में भी देखिए इनको 20 पीपल लगते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ राइस, जबकि यहाँ 13 लोग ही 1 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बांग्लादेश हैज कंपेरेटिवली कॉस्ट एडवांटेज। कंपेरेटिवली क्यों, क्योंकि इंडिया के पास तो 20 लोग लगेंगे, तो इन दोनों में भी हो सकता है। यही डेविड रिकार्डो कहते थे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी ये कहती है कि वन कंट्री हैज स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन कमोडिटी। लेकिन उन्होंने मना किया, उस थ्योरी को एक्सटेंड किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सम कंट्रीज हैविंग स्पेशलाइजेशन, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, उसके अकॉर्डिंग ही इसको फ्रेम किया गया। अब देखिए प्रोडक्शन कंजप्शन विदाउट ट्रेड है तो 10, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 100-100 यूनिट डिवाइड कर लेते हैं तो 10 आएगा, यहाँ 7.5 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 13.33,
इंडिया 100 डिवाइडेड बाई 40 2.5 आएगा, और यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 टन, ये 7.5 टन, ये 2.5, ये 5 टन हो गया। टोटल प्रोडक्शन देखें तो 12.5 और 12.5 हुआ। ठीक है, अभी तक नो वन कंट्री डूइंग ट्रेड। ठीक है, अभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अब इंटरनेशनल ट्रेड का ही बेनिफिट आपको दिखाई देगा। अब बांग्लादेश ने सोचा कि क्यों ना हमको, हम देखिए बांग्लादेश कंपेरेटिवली किस में एडवांटेज रखता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, 10 ही लोग लग रहे हैं इसमें 13 लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई 200 यूनिट है इनके पास, उन्होंने 100 की जगह 150 यूनिट से वीट प्रोड्यूस किए। ठीक है, 150 यूनिट से वीट प्रोड्यूस किए। पंद्रह टन आया, और 50 यूनिट से उन्होंने कहा कि हम राइस भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज 40 तो बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी हो गई, सुपीरियरिटी तो कहीं नहीं हुई। 40 लोग मिलके एक टन बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हम सारे लोग मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, राइस प्रोड्यूस करेंगे। तो वहाँ आएगा 10, ठीक है 20 है ये। ठीक है, 200 यूनिट्स लगा रहे हैं आप, तो 200 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, अब देखिए ये टोटल प्रोडक्शन था 12.5, टोटल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली 15 हो गया। ठीक, यहाँ भी राइस 12.5 टन, वो भी 13.75 हो गया। ठीक है, अब ट्रेड करना है। ठीक है, जिसको जितना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इंडिया के पास 2.5 टन प्रोड्यूस कर पा रहे थे बिना ट्रेड के, ये 5 टन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ये 10, और ये 7.5 कर पा रहे थे। अब देखो हमने इनको ट्रेड के बाद 4-4 यूनिट दी। ठीक है, एक तो बांग्लादेश का वीट प्रोडक्शन 10-11 हो गया, इंडिया जो कि 2.5 टन वीट था जिनके पास, ठीक है उनको 4 टन पूरा का पूरा मिल गया। ठीक, यहाँ देखिए 5 टन से काम चला रहे थे राइस का, यहाँ सीधे सीधे आपको 6 टन हो गया। बांग्लादेश का राइस का प्रोडक्शन भी 7.5 था, वो भी 7.75 हो गया। तो जो स्पेशलाइजेशन के बाद इंक्रीमेंट हुआ वो 1.0 का इधर, 0.25 का, 1.0 का इधर, फिर से 1.5 का। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो कि मैंने इससे पहले आपको बताई, उस थ्योरी में और इस थ्योरी में डिफरेंस इतना सा ही है। वो थ्योरी कहती है कि सिंगल कमोडिटी प्रोडक्शन में अगर आप स्पेशलाइज्ड हैं तो उसी सिंगल कमोडिटी को प्रोड्यूस करिए, यानी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को उसी पर लगाइए। लेकिन डेविड रिकार्डो ने एक्सटेंशन दिया और कुछ खास नहीं कहा, सेम है थ्योरी पूरी। थ्योरी में आपको अजम्पशंस भी लिखने हो वो भी सेम है, क्रिटिसिज्म भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एडवांस थ्योरी इसीलिए की गई कि लोगों को ये लगा कि उससे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती थी जब आप एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे। तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी जिसे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं काफ़ी बेनिफिटेड रही नंबर ऑफ कंट्रीज के लिए ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, अगर आप अजम्पशंस पढ़ते हैं सेम वही रहेगा, दो कंट्री और दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेबर को ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है, और जो कांस्टेंट रिटर्न मानते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार की बात है, हो ही नहीं पाएगा। सारे यूनिट्स को होमोजेनियस मानते हैं, ये लेबर को सब सेम स्किल्ड हैं, कांस्टेंट रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मूवेबल हैं कंट्री में, लेकिन इमूवेबल हैं परफेक्टली बिटवीन द कंट्रीज। कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फ्री ट्रेड को एज्यूम किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट को एज्यूम किया था, परफेक्ट कंपटीशन मानना था इन्होंने। ठीक है, डिमांड फैक्टर को कंसीडर ही नहीं किया था, बोले यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों हमारी इक्वल आ रही है। ठीक, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इक्वल माना था। तो ये अजम्पशंस आप उसमें भी ऊपर देखेंगे, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से पहले ऊपर लिखे थे वो सेम है, यहाँ ये भी सेम है, दोनों में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। ठीक है, फिर से उन्होंने वही क्रिटिसिज्म किया, प्रॉब्लम्स जो लिखी हैं कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की
उसमें यही लिखा है कि लेबर को ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पॉसिबल ही नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो कर दिया, डिमांड जैसे फैक्टर को जो कि मेजर होता है उसको इग्नोर कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन बोला, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स को बोला कि बिटवीन द कंट्रीज कोई मोबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्री ट्रेड को कंसीडर किया, लेकिन उस टाइम तो फ्री ट्रेड वैसे भी नहीं पॉसिबल था, ठीक है, कि टैरिफ बैरियर्स कोई नहीं थे। ये एक तरीके से अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें इनको, एक तरफ से अनरियलिस्टिक हैं अजम्पशंस। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, गार्डियन मॉडल में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। थ्योरी को स्टैटिक कर दिया गया बाई डेवलपिंग रीच अजम्पशंस। डेवलपिंग कंट्रीज पर एप्लीकेबल नहीं थी। कॉन्स्टेंट रिटर्न माना गया, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं था। पूरा पैराग्राफ सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो तीन थ्योरी पढ़ी। सबसे पहले मर्केंटलिज्म थ्योरी पढ़ी। मर्केंटलिज्म थ्योरी में सिंपल सा ये लिखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, कम से कम इम्पोर्ट करिए, और गोल्ड को एक्यूमुलेट करना वहाँ मेजर फोकस हुआ करता था। तो लोग केवल एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे और इम्पोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते थे। फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ी, जो कि एडम स्मिथ ने दी। वहाँ अजम्पशंस और डेविड रिकार्डो की कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दोनों ही सेम है, ठीक है। दोनों में ही लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दोनों साइड की लेबर को होमोजीनियस माना गया, दोनों साइड की लेबर को परफेक्टली इमूवेबल माना गया, ठीक है। एक्सटर्नली एक दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे हैं, अपने कंट्री में मूवेबल हैं फैक्टर्स, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो कहा गया, कॉन्स्टेंट रिटर्न माना गया, डिमांड फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं सारे के सारे जिनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक हैं, बहुत ईजी है, आप बुक पढ़ेंगे ईजिली समझ में आ जाएगा। दोनों जो चार्ट बने हुए हैं उन चार्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ पर पोर्ट्रेट कर देंगे उस वैल्यू को जो आपने इधर बनाई है, और वहाँ वही पॉसिबल प्रोडक्शन फ्रंटियर EPF बने हुए हैं, वो आपकी समझ में ईजी आ जाएगा। तो शायद दो थ्योरी हो गई, थर्ड थ्योरी और पूरी करते हैं। देखिए 1990 का टाइम आ गया, यानी 18th सेंचुरी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे एलाई हैक्सर, और उन्हीं के फॉर्मर स्टूडेंट रहे होंगे वर्टिल ओहिलेन 1933। इन्होंने दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया जिसे इंटरनेशनल ट्रेड में फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी या फिर फैक्टर एंडोमेंट मॉडल कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी रिकार्डियन और एडम स्मिथ की थ्योरी से थोड़ी एडवांस थी, ठीक है। तो फैक्टर एंडोमेंट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी, अब देखो यहाँ अभी तक हम केवल लेबर को फैक्टर माने जा रहे थे, अब यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। हैकर ओहिलेन थ्योरी कंसीडर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये थोड़ी सी सुपीरियरिटी आई लेबर एंड कैपिटल, ठीक। उन्होंने लेबर के साथ, पहले जो एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने केवल लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना था। यहाँ लेबर एंड कैपिटल दोनों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस कराया एलाई हैकर और ओहिलेन ने, ठीक है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करेगी कि आप किसकी एक्सेस से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरह के प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग तरह की डिमांड आती है। सम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, सम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड मोर लेबर। तो इट डिटरमाइन वाई टेक्नोलॉजी के हाउ यू आर यूटिलाइजिंग। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल लिखा, बुक पढ़िए, ईजी है सब कुछ, ठीक। ये आपकी एक्स गुड्स है, ठीक है। एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के लिए नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं, देखिए द गुड्स बाई इट्स फैक्टर प्रोपोर्शन कैसा है। फैक्टर प्रोपोर्शन का मतलब है लेबर कितना लग रहा है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में और कैपिटल कितना लग रहा है, इसी प्रोपोर्शन को फैक्टर प्रोपोर्शन कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेशलाइजेशन बनाए। देखो वॉट इट मीन टू डिस्क्राइब अ गुड वाई इट्स फैक्टर प्रोपोर्शन। द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ एक्स रिक्वायर 4 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ केबल कैपिटल, ठीक है। अगर एक्स गुड्स की बात करते हैं
ठीक, तो उसको प्रोड्यूस करने में एक यूनिट कैपिटल का लगता है और 4 यूनिट आपके लेबर के लगते हैं। ठीक है, दूसरा बाई यूनिट की बात करते हैं, तो 4 यूनिट लेबर के लगते हैं लेकिन 2 यूनिट कैपिटल के लगते हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगते हैं। अब गुड्स एक्स की बात करें तो किस फैक्टर का प्रपोर्शन ज्यादा है, यानी यूनिट ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल क्या है, 4:1 है, जबकि बाई के लिए क्या है, 4:2 है। तो एक्स में किसका प्रपोर्शन हाई है, लेबर का, तो एक्स कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, लेबर इंटेंसिव। अरे जिसमें लेबर कंटेंट ज्यादा चाहिए उसे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हो गया, बाई में कैपिटल ज्यादा चाहिए तो इट बिकम द कैपिटल इंटेंसिव आइटम। ठीक है, यानी वाई में कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड है और एक्स में लेबर ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक, तो इसी को इन्होंने फैक्टर प्रपोर्शन कहा। देखो, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी, फैक्टर इंटेंसिटीज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, यही लाइन ध्यान रखने की है। अब ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा हैंडमेड आइटम्स बना रहे थे तो टेक्नोलॉजी का इतना यूज नहीं था, तो जब हैंडमेड आइटम बनेंगे तो आपको लेबर प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना होगा बजाय कैपिटल के। जैसे ही ऑटोमेशन की बात करेंगे, ठीक है, या ऑटोमेशन की बात का सिंपल सा मतलब है मशीनों से चीज़ों को बनाने लगेंगे, तो मशीन क्या है, मशीन कैपिटल गुड में आती है। तो फिर क्या बदला यहाँ, टेक्नोलॉजी बदला। तो द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ फैक्टर्स। अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है तो इट लोअर डाउन द प्रपोर्शन ऑफ लेबर फैक्टर एंड अप डाउन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल फैक्टर। तभी ऊपर आपने देखा बाई में प्रपोर्शन था 2:4, जबकि एक्स गुड्स के लिए प्रपोर्शन था 4:1, यानी एक्स क्या था, एक्स एक लेबर इंटेंसिव आइटम था और बाई एक कैपिटल इंटेंसिव आइटम था। इसी के बेसिस पे उन्होंने कंट्रीज में स्पेशलाइजेशन को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जैसे अमेरिकन जैसे कंट्रीज हैं जो कैपिटल आइटम प्रोड्यूस करते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हैं, इंडिया जैसे एग्री बेस्ड हैं जो कंट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे पहले जो थ्योरी थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी जो थी वो इन बातों को, हाउ द प्रपोर्सन टेक्स प्लेस, इन बातों को क्लियर कट ना तो एडम स्मिथ कहते थे ना डेविड रिकार्डो कहते थे। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल क्लियर कट ओहेलिन और हैकर ने कर दिया। उसके बाद ये थ्योरी काफ़ी पॉपुलर रही। अजम्पशंस में फिर से कहता हूँ वही रहेंगे। ठीक है, यहाँ इसको 2x2 थ्योरी इसीलिए कहते हैं, 2 कंट्रीज 2 प्रोडक्ट्स की वहाँ भी बात हो रही थी, यानी 2 कमोडिटीज 2 कंट्रीज, लेकिन लेबर ओनली फैक्टर प्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ हमने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, वो क्या थे, कैपिटल और लेबर। हमने यहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों को परफेक्टली कंपटीटिव माना है, यानी इक्वल माना है। ठीक है, जो कि अगर आप सिंपल सा देखें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अजम्पशंस हैं, मैं साथ के साथ इसीलिए उनको क्रिटिसाइज करता चलता हूँ आपके साथ। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एक्सपीरियंस डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक, अगर कंट्री स्पेशलाइज हो सकती है, ठीक है, वन ऑफ द 2 आउटपुट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउटपुट देती है कंट्री तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट इनपुट भी चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी दोनों देशों में सेम मानी इन्होंने, आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ भी सेम था, वहाँ लेबर को लेके था ना, सेम होमोजीनियस लेबर माना गया था, सेम एजम्पशंस इन्होंने भी नहीं बदले, केवल 1-2 पॉइंट यहाँ बदल गया। आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी है, डिमिनिशिंग रिटर्न कहा इन्होंने। ठीक है, इनपुट आउटपुट को बराबर माना, परफेक्टली कंपटीटिव है, और 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज और 2 फैक्टर्स को एजम्पशन माना है। पढ़िए आप, बहुत ईजी है। फैक्टर एनवायरमेंट थ्योरी ओवर द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में आपके एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो आते थे, उससे सुपीरियर कैसे है, थोड़े से पॉइंट देखते चलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने कहा कि दिस इज द बेसिक ऑफ, या
दिस इज द बेस ऑफ इंटर रीजनल और इंटर लोकल ट्रेड। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को कहा कि जब इंटर रीजनल और इंटर लोकल ट्रेड आगे बढ़ता जाता है देन इट बिकम इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, थोड़ी सी सुपीरियरिटी दिखाई उन्होंने। फिर उन्होंने जो इक्विबिलियम दिया अपनी थ्योरी का, वो उतना जस्टिफिएबल नहीं था, लेकिन रिकार्डो और एडम स्मिथ से थोड़ा सुपीरियर था। सबने वन फैक्टर ऑफ लेबर ऑफ प्रोडक्शन लिया था, एडम स्मिथ कहो या रिकार्डो, लेकिन यहाँ इन्होंने टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर किया। फैक्टर सप्लाईज के डिफरेंस को माना हॉल ने। ठीक, यानी फैक्टर सप्लाईज का मतलब है लेबर ज़्यादा लगाएंगे कि कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे। तो ये बात डेविड रिकार्डो ना एडम स्मिथ ने कही थी, इसीलिए डिफरेंस इन फैक्टर सप्लाईज बिकम अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ सुपीरियरिटी। हाँ जी, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स को भी कंसीडर नहीं किया था एडम स्मिथ ने, इन्होंने किया, इसीलिए सुपीरियर है। रिलेटिव प्रोडक्टिविटीज ऑफ फैक्टर्स को भी उन्होंने कंसीडर नहीं किया, जैसे इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करेगी वेदर यू आर हाईली लेबर इंटेंसिव और हाईली कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, तो आपकी जो फैक्टर इंटेंसिटी थी वो इन्होंने बताई थी, उससे पहले फैक्टर इंटेंसिटी वाली बातें कोई नहीं बताता था। तो अगर मेजर बात करते हैं आपको, तो रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स पे फोकस नहीं किया था एडम स्मिथ रिकार्डो ने, उससे पहले इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर्स पे फोकस नहीं था। ठीक है, टू फैक्टर्स लिए इन्होंने, ये सबसे अच्छी चीज़ थी इनकी। फिर फैक्टर एंडोमेंट में जो डिफरेंस होते हैं वो इन्होंने पॉइंट आउट किए। ठीक, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कंपेरेटिव कॉस्ट। ठीक है, अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज करने से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएशन आता था वो सारा इन्होंने डिटेल में बताया। थ्योरी को पॉजिटिव कहा गया, देखो क्यों, द क्लासिकल थ्योरी डिमॉन्स्ट्रेट द गेन फ्रॉम ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस इज रिलेटेड टू वेलफेयर थ्योरी। और जबकि हैकर ऑयलिन मॉडल क्या है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मॉडल है। साइंटिफिक एंड कंसंट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, इसीलिए पॉजिटिव है। लोकेशनल एडवांटेज की बात नहीं की थी है डेविड रिकार्डो वाली थ्योरी में, इन्होंने थोड़ा सा सुपीरियर कहा। ठीक है, स्पेस को वैल्यू दी इन्होंने। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ टू कंट्रीज, ठीक, उसके बाद कंप्लीट स्पेशलाइजेशन क्लेरिफाई हुआ कि वाई अ कंट्री इज स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल आइटम्स और लेबर इंटेंसिव आइटम। फ्यूचर ऑफ ट्रेड, देखो थ्योरी सुपीरियर है क्लासिकल थ्योरी बिकॉज इट रेफर्स टू द फ्यूचर ऑफ ट्रेड। इन द क्लासिकल थ्योरी डिफरेंस इन कंपेरेटिव कॉस्ट बिटवीन टू कंट्रीज वर ड्यू टू डिफरेंस इन केवल एफिशिएंसी ऑफ लेबर की बात कही गई थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने कैपिटल और लेबर के प्रपोर्शन को समझाया इट बिकम द थ्योरी फॉर फॉरकास्टिंग। ठीक, जैसे उन्होंने कहा इन द फ्यूचर लेबर बिकम इक्वली एफिशिएंट इन बोथ द कंट्रीज देयर विल बी नो ट्रेड बिटवीन देम। अगर दोनों ही 20 लोग मिलकर एक टन राइस पैदा करने लग गए तो फिर तो ट्रेड की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हैकर ऑयलिन थ्योरी ने, ठीक है, विल नॉट सीज इवन इफ लेबर बिकम इक्वली इनएफिशिएंट इन टू कंट्रीज बिकॉज बेसिस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट एंड प्राइसेस। उन्होंने तो दो चीज़ें कर ली ना, कैपिटल और लेबर। हो सकता है आपकी लेबर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए लेकिन दूसरे लोग लेबर को सब्सटीट्यूट करने के लिए ऑटोमेटिक प्लान डेवलप कर दें, तो फिर सिंपल सा हो जाएगा कि जो फैक्टर प्रपोर्शन है उनकी उसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के साथ भी आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन लेबर अगर एक ही फैक्टर माने और दोनों ही लेबर अगर स्पेशलाइज हो गए एक टाइम के बाद और हाईली एफिशिएंट हो गए, इक्वली एफिशिएंट हो गए, तो फिर तो ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। लेकिन यही बात हैकर ऑयलिन थ्योरी में अच्छी थी, इसीलिए इसको सुपीरियर थ्योरी भी कहा जाता है। क्रिटिसिज्म देखो वही रहेगा, थ्योरी 2x2 है, बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारी कमोडिटी होती है, ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर ही करेक्टरिस्टिक्स देती है इकोनॉमी के, इसकी वजह से इसको स्टैटिक मांगना। ठीक है,
फैक्टर्स होमोजेनियस नहीं हो सकते जो इन्होंने अज्यूम किए थे। आप पढ़िए, बहुत शानदार बात लिखी हुई है। प्रोडक्शन टेक्निक को होमोजेनियस माना था, वो भी नहीं होती है। हाँ जी, ये डिमांड फैक्टर उन्होंने भी इग्नोर कर दिया था। इन्होंने टेस्ट एंड डिमांड फैक्टर इन्होंने भी इग्नोर कर दिया, दोनों कंट्रीज में सेम माना इन्होंने। कॉन्स्टेंट रिटर्न मानने लगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप एक एक दो दो लाइन में लिख सकते हैं, ये सब अनरियलिस्टिक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इनने भी जीरो कर दिया था, तो ये भी अनरियलिस्टिक है। परफेक्ट कंपटीशन माना गया, फुल एम्प्लॉयमेंट माना गया। ठीक, समझने वाली चीज़ केवल यहाँ ये है, 9 पॉइंट, ये सफिशियंट है। इसे लियोंटिफ पैराडॉक्स कहते हैं। लियोंटिफ ने कहा कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू हैकर ओएलएन उन्होंने माना कि जो आपका फैक्टर प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रीज स्पेशलाइज होते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उन्होंने कहा इंडिया, अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव आइटम एक्सपोर्ट करता है और लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट करता है। जबकि अमेरिका की इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करता है और कैपिटल इंटेंसिव आइटम इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये एक जनरल अप्रोच है। ठीक है, यही माना जाता था जब हैकर और ऑयल इनका मॉडल आया। लेकिन लियोंटिफ ने कहा कि रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा जो फैक्टर यानी लेबर कैपिटल के जो भी कॉस्ट आती है, ठीक है, वो आउटपुट पर अफेक्ट डालेगी ऑटोमेटिकली। इट इम्प्लाइज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइस। ठीक, सप्लाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिमांड। इफ हाउएवर द डिमांड फैक्टर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन डिटरमाइनिंग फैक्टर प्राइस, अ कैपिटल रिच कंट्री विल एक्सपोर्ट अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी बिकॉज द हाई डिमांड फॉर कैपिटल विल रेज द प्राइस ऑफ कैपिटल रिलेटिव ऑफ लेबर। प्रोफेसर लियोंटिफ एम्पेरिकल स्टडी ऑफ ऑयल इन थियोरम नोन एज लियोंटिफ पैराडॉक्स हैज लीड टू पैराडॉक्सिकल रिजल्ट एट द यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। देखो, इन्होंने सिंपल सा हैकर ओएलएन के बेसिस पे ये कहा कि अमेरिका इज ए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि अगर डिमांड फैक्टर को, लियोंटिफ ने केवल इतनी सी बात कही कि अगर अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स को ही एक्सपोर्ट करती रहेगी, ठीक है, और लेबर इंटेंसिव आइटम्स को इम्पोर्ट करती रहेगी, तो एक टाइम के बाद वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, दूसरी एक और चीज़ सुनेंगे, इसमें थोड़ा सा कम लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। लियोंटिफ ये कहते थे कि अमेरिका अगर कैपिटल इंटेंसिव आइटम, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, अगर मशीन प्रोड्यूस करता है, तो जो लेबर इंटेंसिव यानी हाथों से बनने वाले आइटम्स हैं उन आइटम्स को तो वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, और यही हुआ कि अमेरिका कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव आइटम्स को एक्सपोर्ट करने लगा या करता था। देखिए, सिंपल सा होता है, लेबर इंटेंसिव आइटम्स के लिए ठीक है चीप लेबर की अवेलेबल है, फिर भी अगर 500 लोग एक यूनिट को चलाने में लगते हैं, वहीं एक पूरा प्लांट चलाने के लिए 5 लोग चाहिए, और वो प्लांट क्या है, कैपिटल गुड्स है ना, या कैपिटल आइटम है, और उस कैपिटल आइटम को कौन डेवलप कर सकता है, जो रिच और कैपिटल इंटेंसिव आइटम ही प्रोड्यूस करते हैं। तो अमेरिका जब मशीनें बना सकता है, ठीक है, तो उन मशीनों के थ्रू आप जो हाथों से बनाने वाले आइटम्स हैं उनको उन मशीनों से बना सकते हैं, और उन मशीन से बनाने के बाद क्या होगा, वो आपसे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट डिटरमाइंड द फैक्टर एंडोमेंट। अब प्रपोर्सन ऑफ फैक्टर एंडोमेंट आपकी समझ में आया? ठीक, उनको लगा कि हम जो लेबर कॉस्ट आ रही है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की, उस लेबर कॉस्ट से कम पर, ठीक है, हम ऑटोमेटिक प्लांट या फिर जो हमारा मशीनरी है ऑटोमेटिक, ठीक है, प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू उस लेबर से भी सस्ता बना सकते हैं। तो फिर जो रिच कंट्रीज थे वो लेबर इंटेंसिव आइटम्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यही, जबकि हैकर ओएलएन उल्टा कहते थे इसका कि जो रिच कंट्रीज हैं वो कैपिटल इंटेंसिव आइटम प्रोड्यूस करेंगे, जो पुअर कंट्रीज हैं वो लेबर इंटेंसिव। तो लियोंटिफ ने इसका उल्टा बताया, इसीलिए इसको लियोंटिफ पैराडॉक्स कहते हैं।
ठीक, इसको यहीं तक, इतना काफ़ी है। अजम्पशंस तीनों थ्योरीज में सेम हैं, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करने का तरीका भी वही है, तीनों ही स्टैटिक हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो मानना, फ्री ट्रेड वाली बातें, वो सब अजम्पशन सेम है, वो लिख सकते हैं। अब आप एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का भी ग्राफ आप एक बार बना के देख लेंगे, फिर रिकार्डियन थ्योरी का ग्राफ सेम वही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में तो ग्राफ केवल आपको जो एक्स और वाई गुड्स दे रखे हैं वो और ईजी है, उसको बनाएंगे और तीनों थ्योरी को समझ लेंगे। ठीक, धन्यवाद।